अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास स्पार्कस न्यू 7 प्लस, इसकी FRP को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। ये पेंडोरा टूल है हमारे पास, यहाँ पर आपने स्पेड्रम पर जाना है, ठीक है। ये बूट इसका नहीं मिल रहा था पहले, यूट्यूब पर वीडियो नहीं थी। स्पेड्रम पर जाकर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अभी CPU भी अपने स्पेड्रम में सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद CPU आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला CPU आपने सेलेक्ट कर देना है। और इसमें जो IC लगा हुआ टाइगर है, न्यू चिप आई है, तो इसको आपने सिंपली FRP या फैक्ट्री रीसेट जो भी आपने करना है वो आपने यहाँ पर कर लेना, ठीक है। फिर आपने मोबाइल को पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगा देना। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल फ़ोन जो है हमारा बूट करेगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कनेक्ट एक दफ़ा किया लेकिन सही नहीं हुआ, दोबारा से करते हैं कनेक्ट। यहाँ से दोबारा FRP हमने इसकी रेज करनी है, FRP पर क्लिक करते हैं। फ्लैश वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो हमने सिंपली इसकी FRP निकालनी थी, तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, सोचा कि वीडियो ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर दोबारा से मोबाइल फ़ोन को यहाँ कनेक्ट करेंगे। जैसे कनेक्ट होगा आप देख सकते हैं ये बूट कर गया है, वरना ये बूट ही नहीं करता जब तक इसका बूट जो है वो मैच ना हो इसके साथ। तो ये सभी इसकी डिटेल आ चुकी है, जैसे डिटेल आएगी उसके बाद आपका जो भी इसका इशू है वो डन हो जाएगा। इसकी FRP वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर मूव हो चुकी है नीचे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।